मेरी आंटी, तुम यहाँ? खैरियत? I'm so sorry, मैं आपसे इजाजत नहीं ली और आपके कमरे में आ गई। It's okay, बैठो। वैसे तुम्हें कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। Actually, सलमान के बारे में बात थी, से रहा नहीं गया इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई बात करने के लिए। हाँ बोलो, क्या बात करनी है सलमान के बारे में? मेरी आंटी, जब से उरूज के मेडिकल रिपोर्ट्स आए हैं, उरूज से ज्यादा परेशान मुझे आप नजर आ रही हैं। मतलब ये रिपोर्ट उसके हैं, उसका मसला है, उसे परेशान होना चाहिए ना। मैं अपने सलमान के लिए परेशान हूँ। मेरे सलमान की बीवी माँ बनने के काबिल नहीं। इस तरह तो मेरे सलमान की जिंदगी बर्बाद होगी ना। Exactly. और दुनिया में हजारों औरतें ऐसी होंगी उरूज की तरह जो माँ नहीं बन सकती हैं। होंगी, लेकिन सलमान मेरा एक लौता बेटा है। मैं अपने बेटे की जिंदगी में हर खुशी भर देना चाहती हूँ। जाहिर सी बात है आंटी, मैं जानती हूँ ये बात। मैं जानती हूँ कि आप उसकी हमदर्द हैं और वो आपका। लेकिन अगर उरूज माँ नहीं बन सकती है तो क्या हुआ? मेरा मतलब है, आप दादी बन सकती हैं, सलमान बाप तो बन सकता है ना। देखिए, सलमान यंग है, अभी अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है, क्या कमी है उसमें? और वैसे भी उरूज इस दुनिया की कोई आखिरी औरत तो नहीं है ना।